अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। सुना आपने, ये हैं 2014 से पहले वाले मोदी जी। कहते थे कि उन्हें महंगाई बढ़ने से बहुत परेशानी होती थी, गरीब क्या खाएगा इसकी चिंता सताती थी, और आज ये महंगाई का म भी नहीं बोलते हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, गरीब क्या खाएगा, ये सवाल इस देश का हर देशवासी पूछ रहा है, लेकिन मोदी मौन है। इंतजार उस दिन का है जब मोदी जी अपना महंगाई का म बोलने के लिए मुंह खोलेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। जिस प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े मामलों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, वो महंगाई पर तो क्या ही बोलेंगे। कथित तौर पर गरीबों की सरकार होने का दावा करने वाली मोदी सरकार के शासनकाल में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। इससे आम आदमी का घर चलाना महंगा हो गया है। आप अपने घर से शुरुआत करिए। गैस सिलेंडर, जिस पर रोज खाना बनता है, गैस सिलेंडर 2014 से पहले 410 रुपए का हुआ करता था, अब वही सिलेंडर 1103 रुपए का है। वही गैस सिलेंडर जिसके दाम बढ़ते ही स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर आती थी, लेकिन साल 2014 से पहले आज उसी भाजपा के राज में गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। चलिए सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे सरसों का तेल, लेकिन वो भी महंगा है। एक लीटर सरसों के तेल का दाम 90 रुपए से बढ़कर 150 पर पहुंच गया है। सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोई सब्जी नहीं है जो 40 रुपए किलो से कम में मिलती हो। रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। आटा जो कांग्रेस सरकार में 22 रुपए किलो था, आज 45 रुपए किलो है। दूध जो पहले 35 रुपए लीटर हुआ करता था, वो आज 66 रुपए लीटर है। चलिए अब घर से बाहर निकलते हैं। पेट्रोल जो कभी 71 रुपए लीटर मिलता था, उसकी कीमत आज 100 को पार कर गई है। डीजल जो कभी 62 रुपए लीटर होता था, वो आज 90 पार कर गया है। अब थोड़ा और बाहर चलते हैं, विदेश की बात करते हैं। देश का सम्मान और राष्ट्रीय करेंसी रुपया जो कभी मजबूत स्थिति में था, आज बेहद कमजोर हो गया है। कांग्रेस सरकार में एक डॉलर की कीमत 49 रुपए हुआ करती थी, वो आज 82 पार कर गई है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मोदी सरकार विकास काल का नाम लेकर जनता को उलझाती है और फिर विनाश की ओर ले जाती है। विनाश और विकास में फर्क साफ है। ये है भाजपा की विकास की राजनीति। जिन अच्छे दिनों का वादा कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, आज भाजपा की नीतियों के चलते देश के बुरे दिन आ गए हैं। दिन पर दिन महंगाई की मार इस देश की आम जनता पर पड़ रही है, और इनके नेता सवाल पूछते ही पत्रकारों तक की नौकरी खा जाते हैं।